अज जी पंजाब विधानसभा च मैं जो पंजाब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स अमेंडमेंट बिल 2020 ये मैं मूव किया। 4 बजे ये बिल स्पीकर साहब नू मैं देन चलिया। उदे च जिहड़ी वड्डी मंग यही रखी है कि सारे पंजाब नू एक मंडी ऐलाना जाए, एको मार्केट ऐलाना जाए। नाल ही यह प्रपोजल है कि जिहड़ा सैक्शन 7 ऑफ द एक्ट है उहदे च सैक्शन 7 च सब सैक्शन 1 इनसर्ट करके इंटायर स्टेट शुड बी अनाउंस्ड अ प्रिंसिपल मार्केट यार्ड, कि कोई प्राइवेट अदारे वास्ते या प्राइवेट यार्ड वास्ते कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। मैं ये ता चाहे सानू दिन तो 15 चाहिए, मैं पता है स्पीकर साहब ने इस गल का शायद बहाना ला देना कि 15 दिन नहीं है, मगर तुसी वेखो सैशन का पता ही कल लग गया ते 15 दिन तो मिल ही नहीं सकते जो 19 का सैशन है। इसलिए जो पंजाब के हालात बने हैं एक स्पैशल कंसिडरेशन करते हुए साडे इस बिल नू मेरे वालों जिहड़ा बिल मूव किया गया उन्हूं मंजूरी मिलनी चाहिए और रूल रिलैक्स करना चाहिए। और मैं क्यों मांग करदा, देखो ये कैप्टन साहब की मैं ट्वीट वेखी है जिन्हों वेख के मैं बड़ी हैरानगी हुई। उन्होंने कल ये ट्वीट किया, इन आर कैबिनेट मीटिंग टूडे वी हैव डिसाइडेड टू कन्वीन अ स्पैशल सैशन ऑफ द पंजाब विधानसभा ऑन मंडे अक्टूबर 19th। और कल 14 तरीक सी, मतलब 5 दिन तो सैशन हो रहा, 4 क्लियर डेज ने सिर्फ, तो 15 दिन तो है ही नहीं। टू ब्रिंग अ लैजिस्लेशन टू काउंटर द डेंजरस एंटी फार्मर्स लॉज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हुण कैप्टन साहब की ये जिहड़ी शब्दावली है या कारगुजारी है, इहदे च तो दिल्ली की जिहड़ी सिकंदर की सरकार है मोदी सरकार च, उहदे च तो कोई अंतर नहीं दिख रहा। उन्होंने भी एसी कमरिया च बह के काले कानून बनाते, और वो काले कानून उदों भी श्रोमणी अकाली दल का इको स्टैंड सी कि स्टेक होल्डर्स नू डिस्कस करो, उन्होंने ऑन बोर्ड लो, क्योंकि एंड ऑफ द डे एसी कमरिया च ये कानून तुसी बना देने हो, तो जिन्हें हत्थी वाई करनी है वो उस कानून नू सही नहीं समझता। अज भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की लिया रहे हैं कि उन्होंने पंजाब के किसानों नू कंसल्ट किया, नहीं कि उन्होंने पंजाब के जिन्हें फार्म जथेबंदियां ने वक्-वक् किसान जथेबंदियां उन्होंने कंसल्ट किया, नहीं कि उन्होंने पोलिटिकल पार्टीज़ नू ऑन बोर्ड लिया, नहीं। ये फिर उही काम होना है जो दिल्ली ने किया। और करना की है कि सानू बेले कदों विखाए जाणगे, जदों पंजाब विधानसभा का सैशन शुरू हो गया 10 मिनट पहला कॉपी साडे टेबल ते आ जूगी, और फिर वह 10 मिनट से तुसी की पढ़ लोगे तो की सलाह दे दोगे तो की तब्दीली लियाओगे, क्योंकि उत्थे ता जे ता सरकार ने कला बहुमत विखाउणा तो फिर गल वक्री है। जे सरसमति करवानी है तो मैं महसूस करदा ये बिल सारे स्टेक होल्डर्स नू दिखाया जावे और दिखा के पास किया जावे, तदे मैं अपना बिल पहला ही मूव करता कि मेरे वालों ये प्रपोजल है। हाँ, इस प्रपोजल च कोई तब्दीली कोई अमेंडमेंट कोई लियाना जावे जी सद के लियावे, मगर श्रोमणी अकाली दल की सोच है वो स्पष्ट तौर पर टेबल पर रखती गई है, क्योंकि पहला भी मैं जिमें गल की 28 तरीक नूं भी जो कुछ होया अखीर चा रिजल्ट की 0 मौके ते मौके, मतलब कहन दा भाव ईवन एजेंडा जिहड़ा पंजाब विधानसभा ने कढ़िया सी स्पीकर साहब ने उस एजेंडे च भी रेजोल्यूशन आने है कि नहीं आने, कित्थे सर्कुलेट नहीं होया। पिछला एजेंडा 27 तरीक का कढ़ के वेख लो, एकदम लियाए और उहदा रिजल्ट की निकलिया कि अज तक वो जिहड़े 3 रेजोल्यूशन पास होए सी अज तक दिल्ली नहीं भेजे, पहला स्पीकर साहब ने दब छड्डे ते फिर चीफ सैकटरी साहब ने सरकार दी हदायतां दे हिसाब नाल दब छड्डे। इसलिए इस ये मजाक का काम नहीं, पंजाब दी
आने वाले भविष्य दा नाल संबंधित है। पंजाब दा एवरी स्टेक होल्डर, मैं कहना एवरी बच्चा बच्ची हैज द राइट टू नो कि उन्हां दा फ्यूचर पंजाब विधानसभा दे सारे लैजिस्लेचर्स किवें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसलिए ये बिल पब्लिक डोमेन च आवे, थ्रेड बेयर डिस्कस हो जाए कि उहदे च कोई गुंजाइश ना रह जाए, कल्ली एक कागजी कार्रवाई बन के ना रह जाए। क्योंकि मैनू अफसोस नाल ये गल कहनी पैंदी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सैशन नहीं बुलाना चाहते सी, उन्होंने बड़ी स्पष्ट खटकर कलां च जदों शहीद आजम शहीद भगत सिंह जी के नतमस्तक होण गए सी स्पष्ट करता सी कि साढ़े कोल हुण कोई पावर नहीं। मगर ये दो दिन च दस दिन च की बदलाव आ गया? बदलाव कोई नहीं आया। एक तो पंजाब के लोगों का दबा, और मैं समझदा किते ना किते श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा अल्टीमेटम दिता सी उहदा दबा, मगर मंशा साफ अज भी नहीं लग रही कि ये कला पेपर काले करके आप जिहड़ा फिक्स्ड मैच का इन्हां ते आरोप लग रहा, फ्रेंडली मैच का आरोप लग रहा है सेंटर नाल, किते उहनूं तां नहीं अंजाम देण नूं फिरदे? इसलिए बड़ा जरूरी है कि सारा कुछ पब्लिक डोमेन ते आवे। दूजी गल, कल सरदार सुखबीर सिंह जी बादल ने भी गल कीती सी कि जिस तरीके नाल साडे किसानां दा कल दिल्ली च अपमान होया, वो कोई पंजाबी उसनू ना ठीक समझदा ते ना उन्हूं बर्दाश्त कर सकदा। अज भी साडे यूथ अकाली दल दे रमाणा साहब साबी जी और उन्हां दी सारी टीम नू डिटेन किया गया, सिर्फ इसलिए डिटेन करता गया है कि वो जिहड़ा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री दे अगे नरमे ते जो MSP ऐलानी गई है उस MSP की खरीद CCI नहीं कर रही, 1% की खरीद की है सिर्फ, ओदा प्रोटेस्ट लैके गए सन। मक्के की खरीद MSP नालों 50% प्राइस ते हो रही है, गन्ने दे बकाए नहीं दिते जा रहे। ये सारे मुद्दों नू लैके और इस काले कानूनों वापस कराने वास्ते दिल्ली गए सी, मगर उन्होंने गल नहीं सुनी गई, उल्टा उन्होंने डिटेन कर लिया गया। और मैं जिथे उस इंसीडेंट का जो दिल्ली पुलिस का या यूनियन गवर्नमेंट का जो रवैया रहा है उसनू कंडेम करदा, नाल ही अज बड़े अफसोस नाल मैं ये गल कह रहा कि जो रवैया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने और पंजाब पुलिस ने अपनाया होया है उस निंदन योग भी है और उसनू कोई भी पंजाबी बर्दाश्त नहीं करूगा। अश्विनी शर्मा जी ते अटैक होया, वायलेंस का कोई जगह नहीं है डेमोक्रेसी लोकतंत्र, असी पहले दिन स्पष्ट करती सी। जेड़ा जी ते अटैक होया है वह कह रहा मेरे ते अटैक कांग्रेस ने कराया, मतलब कि मौके वाकया ते जिहदे नाल होया ये सारा इंसीडेंट उहदा आपदा बयान किया कि कांग्रेस ने कराया। DGP ते चीफ मिनिस्टर दा अज बयान किया कि जी असी 25 किसान यूनियन आइडेंटिफाई कर लिया जिहड़ा इस अटैक दे पिछे है, मतलब कि थोड़ा फ्रेंडली मैच उही सैबोटाज जो तुसीं हाईकोर्ट च जाके जब किसान अंदोलन नूं रोलन की कोशिश कर रहे हो, उही रवैया तुसीं हाईकोर्ट च लिया, उही रवैया थोड़े बयानां च आया होया। मैं अज DGP पंजाब नूं इह वार्निंग दिंदा कि किसे किसान ते जे झूठा परचा दर्ज होगा ते DGP दा कराओ, उहदी पुलिस दा कराओ, और असी ठोक बजा के किसान भरावां नाल खलोवांगे जिहड़े एक पीसफुल डेमोनस्ट्रेशन जो साडा संविधानिक अधिकार है उहनू फॉलो करदे हो पीसफुली अपनी गल रख रहे हैं, उसनू सैबोटाज डीरेल करन दी जिहड़ी कोशिश कीती जा रही है उसनू असी कदे बर्दाश्त नहीं करांगे। जद थोड़े MP ने कहता कि अटैक लई मैं जिम्मेवार हाँ, शर्मा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कराया, फिर किसानां नू क्यों बदनाम कर रहे हो तुसीं? किसानां नू बदनाम करन दा मकसद की रह गया? और DGP वेखो कहना नहीं चाहिए मगर इतों मिली भुगत की हो सकती है दिल्ली नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कि दो दिन बाद जे थोनू पता सी कि इस किसान इनवॉल्व है जिवें DGP कहिंदे है फिर तुसी अनपछाते लोगों के परचा क्यों किया?
तुसी प्लानिंग करनी सी किसानां नूं बदनाम करन दी। थोनू भी पता है जिहदे अटैक होया वह आइडेंटीफाई कर रहा कांग्रेसी ने किया, जिहड़े अटैक करन वाले वह मर रहे सी किया, मगर इन्हां दा काम वेख लो ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन नूं किसानी नूं संघर्ष नूं डीरेल करन वास्ते जो साजिशां चल रही ने ओदा असी श्रोमणी अकाली दल उस नूं कंडेम कर दिया। असी हर किसान भरा नाल खलोते हैं और डीजीपी ने जे झूठे परचे दिते ते ओदे खिलाफ ठोक के मोर्चा खोलांगे, नासां चों धूं कर देंगे, मगर एक पुठे काम नूं बर्दाश्त नहीं करांगे। ये झूठे परचे जे स्टेट स्पॉन्सर्ड काम चल पिया ते फिर तो तुसी आप ला लो की हो जूगा। चीमा साहब ने विचार रखने में इधर आके रख लो जी। फ्री सेवा फ्री समाधान। फीस कम होने तो बाद विदेश च बैठे क्यों हो परेशान? तंत्र मंत्र काली शक्ति अते काले इलम दे बेताज बादशाह पंडित अजय शर्मा जी, मेरा कीता होया चलेगा सात समुंदर पार, कोई अजिहा ताला नहीं जो खुले ना, हर कम हुंदा करन वाला चाहिदा, हर समस्या दा समाधान 100% गारंटी दे नाल, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो, स्पेशलिस्ट वशीकरण करना जा तुड़वाना, लव मैरिज, लाटरी नंबर, पीआर प्रॉब्लम, विदेश च पक्का होना, सोतन जा दुश्मन तो छुटकारा, कर्जा मुक्ति, सास नू, पति पत्नी विच अनबन, जायदाद विच झगड़ा, मन छाया प्यार, बच्चे कहने तो बार, घर विच कलेश, कीता कराया, किसे नू शराब दी लत तो बाहर कढ़ना, तुहाडा कोई भैन भरा, पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका किसे दे वस विच है तां उस नू बाहर कढ़न लई तुरंत संपर्क करो पंडित अजय शर्मा जी नाल। साडियां सेवावां तुहाडे लई 24 घंटे खुल्लियां हन। मेरे तो पहला काम करन वाले नू मूंह मंगिया इनाम। मोबाइल नंबर 9874233618। नंबर एक बार फिर नोट कर लो 9872433618।